वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक डायग्राम दिया है। इन द फिगर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक, मतलब क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस विच इज इनसाइड द सर्कल, और क्वाड्रिलैटरल के जो फोर कॉर्नर पॉइंट्स है ये सर्कल पर है, तो ये हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की कुछ प्रॉपर्टीज है कि उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल आर क्या होगा? 180 डिग्री। एंड एंगल एस प्लस एंगल क्यू, इन दोनों का भी एडिशन होगा 180 डिग्री। इसके बाद हमको गिवन है पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, हमको गिवन है दस पी क्यू साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। ये दोनों ही कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। दोनों क्या है? कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। देखिए पी क्यू एंड आर क्यू ये दोनों क्या है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका जो आर्क है पी क्यू और इसका आर्क आर क्यू, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन एंगल पी एस आर हमको गिवन है 110। सो एंगल पी एस आर दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू गिवन है हमको 110 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट मेजर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। इसके बाद मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। देन आर्क क्यू आर का वैल्यू, ये इतने से आर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड एंगल पी आर क्यू का मेजर वैल्यू फाइंड आउट करना, तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, इस एंगल का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले देखिए, हम फर्स्ट जो हमको फाइंड आउट करना है उसको टारगेट करते हैं, मतलब मेजर ऑफ द एंगल पी क्यू आर को टारगेट करेंगे। सो मेजर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, देखो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस क्या है? साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। सो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट जो एंगल्स है वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स दोनों एंगल का एडिशन होगा 180 डिग्री। सो देखिए क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो एक एंगल हम लिख रहे हैं एंगल पी एस आर प्लस एंगल, इसका अपोजिट है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। इसका रीजन है कि क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे हम रीजन लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब इसमें एंगल पी एस आर का वैल्यू हमारे पास है, पी एस आर का वैल्यू है 110। सो एंगल पी एस आर के प्लेस पे हम लिखेंगे 110 प्लस
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब एंगल पी क्यू आर का वैल्यू होगा इधर 110 को हम राइट साइड में सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल पी क्यू आर मिल गया हमको, इट इज 70 डिग्री। ये हो गया 70 डिग्री, मीन्स दिस इज 70 डिग्री। इट इज वन। द नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर। सो मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर, देखिए अभी जो पी क्यू आर है इसका ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। आर्क पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन एंगल पी एस आर। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग टू एंगल पी एस आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर। ये है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग टू एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, इस आर्क का वैल्यू है, इस एंगल का जो इंस्क्राइब्ड आर्क है इट इज पी क्यू आर। सो यहां पे हम लिखेंगे पी क्यू आर। देखिए इसमें एंगल पी एस आर का वैल्यू हमको मालूम है, एंगल पी एस आर इज 110, इट इज गिवन। एंगल पी एस आर का वैल्यू 110 है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। अब देखिए 2 यहां पे 110 को आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 220। सो मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर का वैल्यू होगा 2 × 110, ये हो गया 220 डिग्री। मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर मिल गया हमको 220 डिग्री। ये सेकेंड कंप्लीट हो गया। देन थर्ड है मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर। हमको मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि साइड पी क्यू एंड साइड आर क्यू इक्वल है। पी क्यू एंड आर क्यू बोथ आर द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू है कॉर्ड आर क्यू, ये हमको गिवन है। सो कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड आर क्यू, कॉर्ड आर क्यू ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू सेगमेंट आर क्यू, तो दिस सेगमेंट इज नथिंग बट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो हमने कॉर्ड लिख लिया। अब जब कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट है, इक्वल है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इक्वल होंगे। Therefore, arc measure of the arc PQ is equal to measure of the arc RQ है। Chord equal है तो उसके जो corresponding arc है वो भी congruent होंगे। So इसका reason होगा congruent, फिर करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुवेंट कॉर्ड कॉन्ग्रुवेंट
कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के ये करस्पॉन्डिंग आर के। अब इन दोनों के वैल्यूज अननोन है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। सो लेट मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क आर क्यू एंड बोथ आर इक्वल टू एक्स डिग्री। ने एज्यूम कर लिया इसका वैल्यू है एक्स डिग्री। देखिए हमको फाइंड आउट करना है इसमें थर्ड में मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर का वैल्यू। देखिए मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर एंड आर क्यू एक ही हो, आइदर वी कैन राइट क्यू आर या फिर आर क्यू भी लिख सकते, तो मैं यहां पे क्यू आर लिख लेता हूं, आर्क क्यू आर, इसको भी चेंज कर लेते हम लोग, तो क्वेश्चन के हिसाब से नेमिंग हो जाएगा ये। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा पी क्यू आर एंड आर्क पी क्यू आर का वैल्यू है 220 डिग्री। सो इन दोनों आर्क को ऐड करेंगे तो बन जाएगा पी क्यू आर जिसका वैल्यू हमको गिवन है 220 डिग्री। सो आर्क एडिशन पोस्टुलेट यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टू हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, इन दोनों छोटे आर्क को प्लस करने पे बनेगा पी क्यू आर। सो यहां पे लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर। देखिए लेफ्ट में जो मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू है एंड क्यू आर, इन दोनों के वैल्यूज है एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू, राइट साइड में है मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर एंड मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर का वैल्यू है 220 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे 220 डिग्री। सो एक्स प्लस एक्स ये हो गया 2x इक्वल टू 220 डिग्री। अब 2 राइट साइड में जाएगा और 220 को डिवाइड कर देगा तो ये बन जाएगा 110 डिग्री। अब x का वैल्यू 110 आ गया। देखिए x क्या है, मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू एंड मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू एंड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, इन दोनों का वैल्यू है 110 डिग्री। ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में हमको फाइंड आउट करना था मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर, तो हमने क्यू आर फाइंड आउट कर लिया, क्यू आर इज 110 डिग्री। लिमिट इज 3 एंड द लास्ट वन हमको फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ द एंगल पी आर क्यू। देखते डायग्राम में पी आर क्यू कहां पर है, सो पी आर क्यू। अब देखिए एंगल पी आर क्यू इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल पी आर क्यू क्या है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल का वैल्यू उसके इंस्क्राइब्ड आर्क का हाफ होता है। सो अगेन हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे यहां पर और उसके अकॉर्डिंग टू लिखेंगे एंगल पी आर क्यू का वैल्यू, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहे हैं, तो इट इंस्क्राइब द आर्क पी क्यू। सो यहां पे आएगा पी क्यू, इसका रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब इसमें से एंगल पी आर क्यू के पी आर क्यू तो फाइंड आउट करना है हमको, बट ये मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। इसके प्रीवियस स्टेप में देखिए मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू
इज इक्वल टू है 110, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 110, तो हाफ इंटू 110 डिग्री। अब 2 से 110 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इसका वैल्यू हो गया 55 डिग्री। ये हमारा फोर्थ वन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमको चार वैल्यूज निकालनी थी। फर्स्ट वन मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर जो मिला हमको 70, सेकंड मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर जो हमको मिल गया 220 डिग्री, एंड थर्ड वन इज मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर, सो मेजर ऑफ द आर्क क्यू आर इज 110 डिग्री, एंड द फोर्थ लास्ट वन इज मेजर ऑफ द एंगल पी आर क्यू, सो मेजर ऑफ द एंगल पी आर क्यू इज 55 डिग्री। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले।